नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति में तीन बड़ी पार्टियों की। जी हां, वैसे तो बिहार की राजनीति में चार ऐसे प्रमुख दल हैं जो बड़ा सियासी आधार रखते हैं, लेकिन सबसे बड़े राजनीतिक दलों में आजकल शामिल हुए चिराग पासवान की चर्चा भी करना लाजमी है, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी राजनीतिक रणनीतियां बना रहे हैं, चिराग पासवान का साफ तौर पर यह कहना है कि बिहार की राजनीति में अब उनका संगठन मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले चिराग पासवान इस वक्त जोश से लबरेज हैं और आत्मविश्वास से यहां भरपूर उनकी जो तमाम बयानबाजियां हैं वो दिखाई दे रही। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह यही है दर्शकों की, क्या यहाँ पर चिराग पासवान, क्या चिराग पासवान विधानसभा में अपना परचम लहरा पाएंगे? 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके पिता रामविलास पासवान की अगुवाई में उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, 6 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। लेकिन चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस, उनके पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में बड़ी बगावत करते हैं और 5 सांसदों को तोड़कर ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही प्रतीत अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले होता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी का रुख कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद क्या अब आरजेडी और जेडीयू एक बार फिर से एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले दर्शकों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से सरकार बनाने वाले हैं? और क्या वाकई आने वाले वक्त की राजनीति को तय करने के लिए नीतीश कुमार यहां पर 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे? बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के एक कार्यक्रम में साफ तौर पर उनके सामने बड़े मन से कहा कि पिछले 10 सालों में हमने कई बार राजनीतिक रूप से गलतियां की, लेकिन वो गलतियां अब आगे नहीं है। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पिछले वक्त में आरजेडी के साथ किए गए गठबंधनों का पश्चाताप करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ हुई मुलाकात के बाद इस बात के सियासी संकेत और भी स्पष्ट हो गए हैं कि आगामी वक्त में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार झटका देने का मन बना सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।